और चलिए बड़ी ताकि पीएम मोदी का वाराणसी का आज दौरा है। काशी को पीएम आज देंगे बड़ी सौगात, इंटरनेशनल स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। 1600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का आज बेहद अहम दौरा, प्रधानमंत्री मोदी आज भगवान शिव की नगरी वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं और यहां पर भगवान शिव की थीम पर बनने जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने जा रहे हैं और इस स्टेडियम में भगवान शिव के प्रतीकों के अनेक रूप होंगे। शिव के त्रिशूल पर बसी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी में दुनिया का ऐसा पहला क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है जो भगवान शिव को समर्पित है। शहर के गंजारी क्षेत्र में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की थीम भगवान शिव और बनारस से जुड़ी होगी। क्रिकेट स्टेडियम का जिसका शिलान्यास वाराणसी के इसी गंजारी में होना है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री का ये सभा स्थल बना है। दरअसल ये वही जमीन है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। 32 एकड़ की जमीन है जहां पर क्रिकेट स्टेडियम को बनना है और 45,000 दर्शक इस क्रिकेट स्टेडियम में आ सकेंगे और क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस स्टेडियम में भगवान शिव के प्रतीकों के रूप में त्रिशूल, डमरू, बेलपत्र जैसी थीम पर अलग अलग इंफ्रा डिजाइन किया गया है। वहीं प्रवेश द्वार का स्वरूप बेलपत्र के आकार जैसा है। अद्भुत होगा वाराणसी का ये क्रिकेट स्टेडियम। यूपी का ये तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। ग्रीन पार्क और इकाना के बाद ये तीसरा स्टेडियम होगा। एलएनटी शुरू करेगी स्टेडियम का निर्माण कार्य। इस महीने में पूरा होगा निर्माण कार्य। दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा स्टेडियम। बीसीसीआई राज्य सरकार को तय रकम पर देगी स्टेडियम। काशी में जुड़ जाएगी एक और खास विशेषता। वाराणसी में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से लोगों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मैच वो भी देख पाएंगे। कभी सोचा था कि बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होगा, यहाँ पर मैच देख पाएंगे आप लोग? जी नहीं, तो बड़ा मुश्किल सपना था, लेकिन अब चूंकि सपना साकार हुआ है, सामने हम लोग देख रहे हैं, 2-3 साल में तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे, देखने का भी मौका मिलेगा। आसपास के क्षेत्रीय जो प्रतिभा है वो भी निखर कर सामने आएगी। 30.8 एकड़ में बनने वाले इस स्टेडियम की क्षमता करीब 30,000 बताई जा रही है। राज्य सरकार ने इस जमीन को अधिग्रहित किया है जिस पर बीसीसीआई 330 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनवाएगी। जमीन अधिग्रहण पर राज्य सरकार ने 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए आगे बढ़ते हैं बात मौसम की। लखनऊ से बड़ी खबर, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया।